हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया पांडे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एज मच लेस देन 60 एज 7 टाइम्स इज ग्रेटर देन 61 द नंबर इज। तो यहाँ पर हमें नंबर फाइंड करना है, तो आइए जानते हैं कैसे इसको फाइंड करेंगे हम। तो जो चीज़ फाइंड करना है उसको हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि लेट द नंबर इज यक्स, हम यहाँ पे नंबर को यक्स मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द नंबर बी यक्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 यक्स हो जाएगा, ऑफ अ नंबर इन टू यक्स करेंगे तो 4 यक्स आ जाएगा यहाँ पे, इज एज मच लेस देन 60, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एज मच लेस देन 60, तो 4x हो गया इज एज मच लेस देन 60, तो 60 माइनस 4x हो जाएगा। एज यानी इक्वल टू का साइन लगा देंगे हम। एज 7 टाइम्स इज ग्रेटर देन 61, तो यहाँ पे हो जाएगा मीन्स प्लस 7x माइनस 61, प्लस 7x माइनस 61। अब यहाँ पे इक्वेशन बन गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 है यहाँ पे, माइनस 61 है इस साइड आएगा, तो प्लस 61 इक्वल टू 7x, यहाँ पे माइनस 4x इस साइड आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। तो 60 प्लस 61 121 इक्वल टू 7x प्लस 4x 11x। यहाँ से हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 121 अपॉन 11, तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।